हम सब बहुत आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के कि जब भी गांव गरीब और किसान का विषय आता है तो प्रधानमंत्री जी उदारता पूर्वक अपनी योजनाओं में भी उनको प्राथमिकता देते हैं और जब उनसे रूबरू होने का वक्त आता है तब भी उदारता पूर्वक समय देकर हमेशा किसानों के बीच में उपस्थित रहने के लिए हमको अनुमति प्रदान करते हैं। उसी तारतम्य में आज फिर एक बार कृषि से जुड़े सभी किसान भाइयों और बहनों के बीच माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। मैं मंत्रालय की ओर से और कृषि और सहकारिता से जुड़े हजारों हजार लोगों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन के अवसर पर भी कृषि के क्षेत्र को जो अनुमतियां प्रदान की उसी का यह परिणाम है कि किसान ने फसल कटाई का काम पूरा किया, उपार्जन का काम पूरा किया, ग्रीष्म ऋतु की बुआई अधिक की और खरीफ के क्षेत्र में भी ठीक प्रकार से आज काम चल रहा है और गत वर्ष की तुलना में बुआई ज्यादा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका हमेशा यह फोकस रहा है कि कृषि जितनी मजबूत होगी देश उतना मजबूत होगा और इसलिए चाहे वो एफपीओ 10,000 बनाने का विषय हो, चाहे हर किसान तक केसीसी पहुंचे इसके अभियान चलाने की बात हो, चाहे डिजिटल कृषि का विषय हो, चाहे पीएम किसान योजना के माध्यम से सभी किसानों को डिजिटली पैसे ट्रांसफर करने का मामला हो और चाहे आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ से अधिक कृषि अवसंरचना के लिए पैकेज देने का मामला हो, हर विषय में आपने इस क्षेत्र को प्राथमिकता पर रखा और कृषि के साथ जो सहायक धंधे हैं, चाहे वो पशुपालन हो, चाहे वो मछली पालन हो, चाहे वो हर्बल खेती हो, चाहे वो मधुमक्खी पालन हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपए का सवाल हो, इस पैकेज के अंतर्गत कृषि के क्षेत्र में जो गैप्स बहुत लंबे समय से महसूस किए जा रहे थे उनको पूरा करने के लिए यह एक बड़ी मदद आपकी ओर से हुई है। इसलिए हम सब किसानों की ओर से आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और सारा देश इस बात का साक्षी है कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि मंडी से किसान को आजाद कर दिया जाएगा, कोई सोच नहीं सकता था कि बुआई के समय ही कानून के माध्यम से मिनिमम मूल्य का करार किसान कर सकेंगे, लेकिन कानूनी बदलाव के माध्यम से आपने किसान को आजाद भी किया और किसान को मिनिमम मूल्य मिले इसके लिए कानूनी प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराया। इस वजह से हम सभी किसानों की ओर से आपका इस अवसर पर हृदय से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहते हैं। सारा देश इस बात को जानता है कि 24 फरवरी 19 को आपने पीएम किसान योजना प्रारंभ की थी और तब से लेकर आज तक 75,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में सरकार के द्वारा भेजा जा चुका है और आज ये जो छठवीं किस्त है, छठवीं किस्त में 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपया आज आपके कर कमलों के द्वारा किसानों के जेब में जाएंगे। पूरे देश के किसान आज बहुत ही उत्सुकता के साथ इस कार्यक्रम को आपका संबोधन सुनने के लिए लालाए थे और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, 8 जुलाई को आपने कृषि अवसंरचना के लिए जो फंड आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत घोषित किया था उसको मंत्रिमंडल से स्वीकृति प्रदान की, तब से आपके नेतृत्व में आपके मार्गदर्शन में विभाग ने द्रुत गति से काम किया और आज हम बहुत ही प्रसन्नता के साथ कह सकते हैं कि 8 अगस्त को 1 महीना पूरा हुआ, आज 9 अगस्त है, 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन की भी तिथि है और आज भगवान बलराम जी का भी जन्मदिन है और इस महत्वपूर्ण दिन पर 2282 पैक्स को 1128 करोड़ का ऋण
आपके कमलों द्वारा स्वीकृत किया जाएगा, यह मैं समझता हूं कि अपने आप में ऐतिहासिक कदम है। मैं इस अवसर पर समूचे किसान जगत की ओर से आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं।